जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से आयोजित इफ्तार पार्टी में पहुंचे राष्ट्रीय स्वयंसेवक नेता इंद्रेश कुमार के भाषण के बाद विवाद खड़ा हो गया है। इंद्रेश कुमार ने सभी मुस्लिमों से घर में तुलसी का पौधा लगाने को कहा और साथ ही मांस ना खाने की हिदायत भी दी। आरएसएस नेता का कहना था कि पैगंबर अब्राहम के मुताबिक सभी को मीट खाने से बचना चाहिए। जो लोग मीट खाते हैं, हत्या करते हैं या इसे बेचते हैं, वे बीमारी को बुलावा देते हैं। कुमार ने साथ ही यह भी सुझाव दिया कि भारतीय मुसलमानों को घर में तुलसी का पौधा लगाना चाहिए ताकि वे इसे रोज देखकर मरने के बाद जन्नत पहुंचें। खास बात यह है कि जब कुमार यह सब बोल रहे थे तभी इफ्तार पार्टी में आए लोगों को चिकन बिरयानी परोसी जा रही थी। कुछ छात्र MRM की इफ्तार पार्टी में इंद्रेश कुमार को बुलाए जाने का विरोध कर रहे थे। इन छात्रों ने पुलिस पर उनके साथ झड़प करने का भी आरोप लगाया है। विरोध प्रदर्शनकारियों में से एक छात्र ने कहा कि उनके कुछ सहयोगियों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। इन प्रदर्शनकारियों पर इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनको माफ कर दे और जन्नत दे। साथ ही कुमार का कहना था कि प्रदर्शनकारियों को मुस्लिम समुदाय की तरक्की के लिए काम करना चाहिए था। इन्हें घोषणा करनी चाहिए थी कि उनको पत्थर, बंदूकें या पाकिस्तान का झंडा नहीं बल्कि भारत का झंडा चाहिए।